और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक टीचर पर हाई स्कूल की 17 छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर स्कूल में अश्लीलता करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी टीचर ने प्रैक्टिकल के नाम पर 17 छात्राओं को रात में स्कूल में रोककर खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद छेड़छाड़ और अश्लीलता की हदें पार कर दी। साथ ही आरोप ये भी है कि आरोपी टीचर ने मुंह खोलने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दी है। इस सनसनीखेज मामले में दो पीड़ित छात्राओं ने जब अपने परिजनों के साथ एसएसपी से मामले की शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। हाई स्कूल की 17 छात्राओं से हुए सामूहिक अश्लीलता के इस सनसनीखेज मामले को पुरकाजी पुलिस पिछले 5 दिनों से शिकायत के बावजूद भी दबाने में लगी हुई थी, लेकिन पीड़ित दो छात्राओं ने परिवार के साथ एसएसपी को मामले की शिकायत की तो पुलिस अधिकारियों ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और पुरकाजी इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर करते हुए मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी के विभाग द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो कि भोपा के एक स्कूल में पढ़ती है, पुरकाजी के एक अकेडमी में एक स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए गई थी और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खानी की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स भी शामिल हैं, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं और बहुत जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों